हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो के साथ। तो मैं आज आपको इस शीर्षक हूँ हाउ टू कस्टमाइज़ योर एच पैनल्स। आप अपने एच पैनल्स को कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं, या फिर अगर आपको एच पैनल्स कस्टमाइज़ करना नहीं आ रहा तो इस वीडियो देख के वही सीख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो हाउ टू कस्टमाइज़ एच पैनल्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास सैमसंग का फ़ोन जिसमें आपको एच पैनल्स कस्टमाइज़ करके दिखाऊँ, तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल स्टेप्स बताऊँगा जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहले कुछ मत करिए, अपने फ़ोन के सेटिंग्स पे जाइए, सेटिंग्स को स्क्रॉल कीजिए। इधर आपको डिस्प्ले ऑप्शन दिख रहा है, इधर आइए। इधर आने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो इधर आपको दिख जाएगा एच पैनल्स। तो इधर आएंगे एच पैनल्स पे, इधर से आप ऑन कर लीजिए और कस्टमाइज़ का देख लीजिए। ऐप्स देख लीजिए, पीपल्स देखिए, स्मार्ट सेलेक्ट देख लीजिए, आप टॉक्स देख लीजिए, तो इधर आप वेदर देख लीजिए, आप टूल्स देख लीजिए, रिमाइंडर देख लीजिए, इधर आप क्लिपबोर्ड देख लीजिए। तो इधर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है, एच पैनल्स को। तो आप गैलरी स्टोर्स में कुछ उसका डाउनलोड कर सकते हैं। तो हैंडल भी देख सकते हैं आप, स्टाइल कलर साइज़ ये भी देख सकते हैं आप। देखिए स्टाइल कलर साइज़ देखिए आप, इधर अबाउट एच पैनल्स भी देख सकते हैं, तो वर्जन भी देख सकते हैं, ऊपर शो ओपन सोर्स भी देख सकते हैं, ऐप्स देखिए, या क्यों हो गई ओपन सोर्स का ऐप्स, ठीक है। तो ये टूल्स भी देख सकते हैं, तो ये हो गए टूल्स है आपके एच पैनल्स के। तो एच पैनल्स भी देख सकते हैं देखिए। तो इस तरह से आप अपने एच पैनल्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आप कुछ भी वर्जन देख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो का हेल्पफुल लगे, पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल नया चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो साथ।